अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 15 है और क्लास 10 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 2। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 2 जो लास्ट लेक्चर था उसमें था एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 1, तो अब है वाटर। टॉपिक का नाम है वाटर। सबसे पहले तो हम इसको करेंगे, इसका करेंगे इंट्रोडक्शन, रीड आउट करेंगे ताकि इसमें से एमसीक्यूज और हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जो कंसेप्ट, जब हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं ना अपने, ये अपने आप हो जाता है। जैसे कि हमें पता है कि 97% वाटर ओशन का है, बाकी ही देखें आईलैंड का, ग्राउंड वाटर, एटमोस्फेरिक वाटर, ग्लेशियर, आइस कैप, अर्थो, ये सारा। नेक्स्ट है इसमें से शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से बहुत ज़्यादा लाजमी करने हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर तो इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, शॉर्ट में आ जाते हैं कि राइट द 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर इज 5 एंड देखें तो ये अलग से क्वेश्चन भी प्रॉपर्टीज़ के अंदर बने हुए हैं। कैपिलरी एक्शन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और ये आप लोगों ने लाजमी करना है। अच्छा, ये अलग से क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप बताएँ हीट कैपेसिटीज़ की। नेक्स्ट है वाटर सोलवेंट, या तो कि वाटर इज़ ए यूनिवर्सल सोलवेंट, तो आप लोगों ने ये 3 लाइनें ही लिखनी है। शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, दैट वाटर पोलर होता है, ये सबको मालूम है। तो आगे आपने ये सारा कुछ करना है, रीड आउट करेंगे उसमें से ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है हाईलाइट की हुई है, ये आप लोगों ने करनी है। नेक्स्ट, वाटर का है डिजोल्विंग प्रोसेस ऑफ पोलर सब्सटेंस इन वाटर, के कोई भी सब्सटेंस जो कि वाटर में होता है तो उसके ये स्ट्रक्चर होता है। मैनी कोवेलेंट सब्सटेंस माई लाइक बेंजीन, ईथर, ये सारा कुछ जब ये डू नॉट हैव पोलर एंड्स ऑफ बॉन्ड अट्रैक्टेड बाय वाटर मॉलिक्यूल, देयरफॉर नॉन पोलर कंपाउंड डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, क्योंकि नॉन पोलर पोलर में हो नहीं सकते, तो ये इस तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं, डिजोल्व नहीं हुआ। फिर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने करने, ये निशान लगा हुआ यहाँ तक। लॉन्ग क्वेश्चन है, देखें क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ एंडिंग हो रहा है इसका, स्टार्ट से लेकर देखने इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मॉलिक्यूल वाटर आ जाता है, इसका स्ट्रक्चर बताएं, इसका एंगल बताएं, देन टेस्ट योर सेल्फ मैंने पहले भी कहा आप लोगों ने, हर चैप्टर के करने, इसके भी करने, ये पेज नंबर भी लिखे हुए हैं। अच्छा, आगे सॉफ्ट एंड हॉट वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या जाता है सॉफ्ट वाटर की डेफिनेशन लिखें, हार्ड की लिखें, काजेज ऑफ इसमें, अच्छा हार्ड क्यों होता है उसके काजेज लिखें, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन भी देखें कितने बन रहे, सारे सारे लिखे हुए। फिर टाइप्स लिखें हार्ड वाटर की, टेम्परेरी होती है, परमानेंट होती है। फिर मैथड लिखें रिमूविंग हार्डनेस के। फिर रिमूवल, अगर हार्डनेस आ गई है किसी वजह से आ गई, फिर उसकी टेम्परेरी है और उसको हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं, बॉइलिंग के ज़रिए, कलर मेथड के ज़रिए, ये सारा कुछ आप लोगों ने करना है, यू कॉन्ट मिस स्किप इट। ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से कोई आपको कैसे, यही कहूँगी कि सारा ही करें आप लोग। फिर रिमूवल ऑफ परमानेंट, क्योंकि कुछ टेम्परेरी भी होते हैं और परमानेंट भी होते हैं, अगर पर टेम्परेरी को किस तरह रिमूव करना है और परमानेंट को किस तरह रिमूव करना है, ये सारे मेथड आपने दिए हुए और कोई भी मेथड वो आ सकता है। ये सोडियम जोलाइड आया हुआ है लास्ट ईयर में, ये सारा आप लोगों ने करना है। और डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 भी देखें, 8 क्वेश्चन नंबर 8 भी है। नेक्स्ट है मेरे पास चुपत के बॉक्स में, हाउ हार्ड वाटर हम्पर्स द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, ये आप लोगों ने करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। नेक्स्ट, वाटर पोल्यूशन के बारे में आया है, ये किस तरह होता है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट के जरिए होते हैं, ये देखें ये सारा आप लोगों ने करना है। रिजल्ट्स आ गए पोल्यूशन के वाटर में, डिटर्जेंट है, डोमेस्टिक एफ्लुएंट है, डिटर्जेंट हो गया, या के शॉर्ट क्वेश्चन थे सारे, लॉन्ग क्वेश्चन है, एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक है।
नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, के वाटर के क्या इफ़ेक्ट्स हैं वाटर पोल्यूशन के। ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि एक्सरसाइज में मौजूद है और आप लोगों ने ये लाजमी करना है, इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये जो हमने टॉपिक पढ़े हुए हैं, ये शॉर्ट टेस्ट योर सेल्फ है, ये भी आप लोगों ने करना है, यू कॉन्ट स्किप एनी टेस्ट योर सेल्फ। अच्छा, वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज, अब इसमें डिजीजेस क्या होती है, इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। वाटर बॉर्न इन्फेक्शन डिजीज है, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन, देन यहाँ से वाटर पोल्यूशन की वजह से होती है, सारा कुछ आप लोगों ने करना है। ये डिजीज हो गया, ये देखें यहाँ से कितनी डिजीज के नेम है, ये देन आ गया है प्री, तो आप डिजीज हो चुकी है तो हम इससे किस तरह इससे प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, प्रिवेंशन के देखें, सॉरी प्रिजर्वेशन महफूज नहीं, प्रिवेंशन हिफाजत कैसे कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करते हैं हम, ये सारे मेथड इन्होंने बताया हुआ है, कंट्रोल करने के तरीके, देन फिर इसका टेस्ट और सेल्फ 5.4 विद एक्सरसाइज पेज, देन चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज में देखें आप MCQs। सोलह MCQs हैं, नौ चैप्टर्स हैं, अगर भी हर चैप्टर की 15-15, 16-16 MCQs कर लेंगे तो आपके 12 नंबर कहीं नहीं गए। ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं, पेज नंबर के साथ लिखे हुए हैं, वहाँ भी निशान लगे हुए हैं चैप्टर में भी। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि क्या क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्या कर क्या आप करना है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।